हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी तिथि आती है और इन एकादशी तिथियों में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। वही जिस वर्ष में अधिक मास लगता है उस वर्ष में 2 एकादशी तिथि और बढ़ जाती है। उस वर्ष में 26 एकादशी तिथियां होती है। भगवान विष्णु को सृष्टि के प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है और एकादशी के दिन उनका विधिवत पूजा करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोग कर अंतकाल में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 7 अप्रैल तड़के 2:09 से शुरू हो रही है। वही एकादशी तिथि समाप्त 8 अप्रैल तड़के 2:28 पर हो रही है। वही एकादशी व्रत पारण समय 8 अप्रैल को दोपहर 1:39 से लेकर शाम 4:11 तक है। पापमोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है पापों का नाश करने वाली। जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में गलत कार्य को ना करने का संकल्प करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति शांतिपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत करता है। हर एकादशी के समान पाप मोचनी एकादशी के विभिन्न अनुष्ठान और नियम भी दशमी के दिन यानी एकादशी तिथि से एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाते हैं। एकादशी से एक दिन पहले सूर्य डूबने के बाद भोजन ना करें और सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं, विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं और पुष्प प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और पारण काल में स्वयं भी व्रत का पारण करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।